चलिए हम आपको बता दें कि पूरा मुद्दा क्या है। दूसरी लहर के वक्त वैक्सीनेशन जितने देश में हुए थे वो साफ दिख रहा था नाकाफी है। उसके बाद से तेज रफ्तार पकड़ने की कवायद हुई है। तीसरी लहर के पहले अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी चाहिए तो हमें जबरदस्त लगभग 80 लाख के आसपास रोजाना वैक्सीन करनी है। जून के महीने में हम 40 लाख तक पहुंचे हैं जो कि आधी है। ऐसे में कैसे तेज रफ्तार वैक्सीनेशन हो, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। वैक्सीनेशन जरूर धीमी है लेकिन पॉलिटिक्स तेज है। राहुल गांधी ने कहा जुलाई का महीना आ गया, वैक्सीन कहां है। डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व के परिवर्तन पर सोचे। बहरहाल सुप्रिया श्रीनेत, सवाल आपसे है जो गौरव भाटिया ब्रेक के पहले उठा रहे थे। उनका ये सवाल है कि केंद्र तो अपनी तरफ से वैक्सीन देती है लेकिन फेक नकली वैक्सीन का रैकेट महाराष्ट्र में, वो राजस्थान का मुद्दा उठा रहे, पंजाब में जहां पर ओवर प्राइस करके वैक्सीन दिया जा रहा था, मिस मैनेजमेंट करे आप, ठीकरा फोड़े उनके सिर पर। सुप्रिया जी, नहीं बिल्कुल नहीं, और इसका जवाब भी मैं आंकड़ों से दूंगी। उत्तर प्रदेश जहां से मैं आती हूं, मेरा गृह क्षेत्र है, वहां की आबादी करीब करीब 24-25 करोड़ है और वहां पर डबल डोज अभी लगी है 45 लाख लोगों को डबल डोज लगी है। राजस्थान उसकी एक तिहाई आबादी है और वहां पर डबल डोज लगी है 40 लाख लोगों को। एक तिहाई आबादी को लगभग उतनी ही डबल डोज लगी है जो तीन गुना आबादी वाले उत्तर प्रदेश को लगी है। महाराष्ट्र जो कि आधी आबादी है उत्तर प्रदेश का, वहां पर डबल डोज लगी है 64,60,000 लोगों को। ये आधी आबादी का प्रदेश है और करीब 15 से 20 लाख ज्यादा डोजेज लगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बहस करते हैं तो बहस का मुद्दा बड़ा साफ होना चाहिए। आज का मुद्दा क्या है कि हम आने वाली थर्ड वेव से कैसे बचेंगे, और ये मैं थोड़ा भय और थोड़े संकट और थोड़ा गंभीर होकर इस बारे में बात करना चाहती हूँ। इंग्लैंड को देख लीजिए, इंग्लैंड में थर्ड वेव में जो वेरियंट आया है उसके 28,000 केसेस आ चुके हैं अंजना जी, और इंग्लैंड ने अपनी ऑलमोस्ट 50% अडल्ट आबादी को, 50% अडल्ट आबादी को दोनों डोज लगा दिए हैं। उसके बाद संकट इतना गहराया है। हमारे यहां 6% डबल डोज लगी है। सोचिए कितना भयावह मंजर होगा अगर थर्ड वेव आ गई हमारे यहां। काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रही हूं, आप जर्नलिस्ट थी तभी इकोनॉमिक्स कवर करती थी, परसेंटेज देखेंगे आप, डेथ्स में परसेंटेज देखने को तैयार नहीं है लेकिन वैक्सीन में आप परसेंटेज को बिल्कुल दरकिनार करती हैं। आप डेथ्स में भी देखिए कि अगर हम देखें, पर आप 35 करोड़ अमेरिका की आबादी है, 32 करोड़ को हम उनसे ज्यादा वैक्सीनेशंस दे चुके हैं। पॉपुलेशन सबसे बड़ी समस्या इस देश की है जिस पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोलेगी क्योंकि फिर पॉलिटिकली डैमेजिंग हो जाता है। जी हां, क्या ये सच नहीं अंजना जी? हां आपने, नहीं मैं आपको बताती हूँ, आपने ये पहले भी कही थी पॉपुलेशन हमारी समस्या है। मुझे तो लगता था पॉपुलेशन हमारा सबसे बड़ा डिविडेंट है। उसी डेमोग्राफिक डिविडेंट के बल पर तो हम आज इतने बड़े पावर बन पाए थे, उसी डेमोग्राफिक डिविडेंट के